सारे इस शरीर के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इंसान का शरीर वाकई में इतना अद्भुत और जटिल होता है कि उसकी संरचना को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हमारा शरीर किसी फैक्ट्री और मशीन से कम भी नहीं होता। तो आज हम आपको इंसानी शरीर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर के आपको आश्चर्य भी होगा और आपको अपने शरीर पर गर्व भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं फेफड़े की। हमारे फेफड़े काफी इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारे फेफड़े हर रोज करीब 20 लाख लीटर हवा फिल्टर करते हैं। और इसके अलावा अगर फेफड़ों को खींचा जाए तो ये किसी टेनिस कोर्ट के एक हिस्से को ढक सकते हैं। नंबर दो पर है, इंसानी शरीर जैसी कोई फैक्ट्री है ही नहीं। जी हाँ, क्या आपको पता है कि हमारा शरीर प्रति सेकंड करीब 2.5 करोड़ नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रतिदिन करीब 200 अरब से भी अधिक रक्त कोशिकाएं बनाता है। हर वक्त शरीर में 250 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है। आपको बता दें कि एक बूंद खून में करीब 25 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर तीन पर है, हमारे खून की स्पीड। इंसानी शरीर में तकरीबन 5.6 लीटर खून पाया जाता है, जो इतनी तेजी से दौड़ता है कि हर 20 सेकंड में वो पूरे शरीर में घूम लेता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हमारा खून प्रतिदिन हमारे शरीर में करीब 1,92,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। नंबर चार पर है, हमारी धड़कन। एक तंदुरुस्त इंसानी दिल प्रतिदिन करीब 1,00,000 बार धड़कता है। इस हिसाब से पूरे साल में दिल करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा बार धड़कता है। दिल का पंपिंग प्रेशर काफी तेज होता है, जो खून को 30 फुट तक ऊपर उछाल सकता है। नंबर पांच पर है, आंखों जैसी कोई दूरबीन नहीं। इंसानी आंखें इतनी तेज होती है कि वो करोड़ों रंगों में भी अंतर पता लगा सकती है, और आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो ऐसा कर पाने में सक्षम हो। नंबर छह पर है, नाक में एयर कंडीशनर। आपको शायद पता ना हो और ये जानकर के आश्चर्य भी होगा कि हमारी नाक एक नेचुरल एयर कंडीशनर होती है, जो बाहर से गर्म हवा को ठंडा और ठंडी हवा को गर्म करके फेफड़ों तक पहुंचाती है। नंबर सात पर, शरीर का पानी। इंसानी शरीर में 70% पानी की मात्रा होती है, और इसके अलावा बड़ी मात्रा में कार्बन, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, निकिल और सिलिकॉन भी पाए जाते हैं। नंबर आठ पर है, छींक। हमें आने वाली छींक की रफ्तार 166 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, और छींक की सबसे खास बात ये होती है कि आंखें खोलकर छींकना असंभव है। नंबर नौ पर है, हमारे मजबूत दांत। अगर हमारे शरीर में कोई सबसे मजबूत अंग है तो वो है हमारे दांत। इंसान के दांतों में चट्टान जैसी मजबूती होती है, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्से खुद की मरम्मत कर लेते हैं, जबकि दांतों में एक बार खराबी हो जाए तो वो खुद की मरम्मत नहीं कर पाते हैं और कमजोर होने लगते हैं। नंबर 10 पर है, मुंह की लार। हमारे मुंह में प्रतिदिन करीब 1.7 लीटर लार बनती है, जो खाना पचाने और जीभ की करीब 10,000 से भी अधिक स्वाद ग्रंथियों को नम बनाए रखने का काम करती है। नंबर 11 पर है, झपकती पलकें। पलकों के झपकने के पीछे का कारण ये होता है कि वो आंखों से पसीना बाहर निकाले और उनमें नमी बनाए रखे, तो महिलाओं की पलकें पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बार झपकती है। नंबर 12 पर है, नाखून के बढ़ने की स्पीड। आपको शायद लगता होगा कि सभी उंगलियों के नाखून एक समान स्पीड से बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंगूठे का नाखून सबसे धीरे बढ़ता है, जबकि मिडिल फिंगर के नाखून बढ़ने की स्पीड सबसे तेज होती है। नंबर 13 पर है, खाने पर खर्च होने वाला समय। एक इंसान अपनी जिंदगी में औसतन 5 साल खाना खाने में खर्च करता है, और इंसान पूरी उम्र में अपने वजन से करीब 7,000 गुना ज्यादा खाना खा लेता है। नंबर 14 पर है, हमारा तंत्रिका तंत्र और उसकी स्पीड। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 100 अरब से ज्यादा तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और तंत्रिका तंत्र की बात की जाए तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों तक आवश्यक निर्देश पहुंचाने का काम करता है।